नमस्कार, मैं हूँ विष्टु किचन में सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम सिंगाड़े के आटे की कड़ी बना रहे हैं, तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। सिंगाड़े का आटा, जीरा पाउडर, काली मिर्च पाउडर, हरी मिर्च का पेस्ट, सेंधा नमक, दही लेंगे, हरे धनिए की डंडियाँ जिसे बारीक काट लिया था, कच्चे आलू को मैंने कद्दूकस करके पानी में भिगो दिया था, उसका पानी निकाल के इसे भी मिक्स कर लेंगे। सभी इन्ग्रीडियंट्स को अच्छे से मिक्स कर लेंगे हाथ से, और ये मिक्सचर रेडी है। ऑयल को गर्म करके इसमें पकौड़ियाँ सेक लेंगे। गैस मीडियम हीट पर रखेंगे। 5-6 मिनट में पकौड़ियाँ सिक जाएंगी। हल्के सिक चुकी हैं, इससे अब हम पटरट लेते हैं। दूसरी साइड भी सेक लेंगे। पकौड़ी अच्छे से सिक चुकी हैं, इसे हम ऑयल से निकाल लेते हैं। फिर से सिंगाड़े का आटा लेंगे, इसमें दही डालेंगे 2 चम्मच, मिक्स करके पानी डाल देंगे। हमें सभी इंग्रेडिएंट्स कितनी मात्रा में लेने हैं ये डिस्क्रिप्शन में ऐड है। सेंधा नमक ऐड किया है, भुना जीरा पाउडर और काली मिर्च पाउडर, हरे धनिए की पत्तियां डालेंगे और पानी डालकर इसका एक घोल तैयार कर लेंगे। घोल में लम्स ना रहे, थोड़ा सा घी गर्म करेंगे, जीरा डालेंगे, हरी मिर्च, अदरक का पेस्ट और उसी घोल को जो भी हमने तैयार किया था, पानी भी मिक्स कर देंगे और घोल को पतला ही रखेंगे। 20 मिनट में कड़ी बनकर तैयार हो जाएगी। इसमें अब हम वो पकौड़ियाँ भी डाल देते हैं। 5 मिनट और पकाएंगे, घी गर्म करेंगे, बहुत ही सावधानी के साथ। गर्म हो चुका है, गैस बंद कर देंगे। देखी मिर्च डालकर हम कड़ी में तड़का लगा देंगे। बस कड़ी बनकर अब तैयार है। चलिए अब सामा के चावल बना लेते हैं। घी गर्म करके उसमें जीरा डाल देंगे। 15 मिनट पहले भिगोए हुए सामक के चावल, थोड़ा सा पानी, सेंधा नमक डालकर इसे 5 मिनट के लिए पकाएंगे। थोड़ा सा मिक्स कर देते हैं, ढक देंगे। 5 से 10 मिनट के बाद चावल भी बनकर तैयार हैं। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।